जितनी हंसी है मुलाकातें हैं। You're a superhero. हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का वुड क्रेस्ट फार्म्स में। जैसे कि आप देख सकते हो कि ये उसका एंट्रेंस है एंड बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत एंट्रेंस है। देख सकते हो कि यही उसका एंट्रेंस गेट है एंड उसके सराउंडिंग में कितने सारे पहाड़ हैं एंड पीछे ही मस्त एकदम कैनल का पानी फ्लो हुआ है। एकदम प्रॉपर बोल सकते हैं फार्म का लुक इन्होंने दिया है। एक माउंटेन और फॉरेस्ट के बीच में ये फार्म एरिया है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और थोड़ी देर वेट कीजिए, अंदर जाके और ज़्यादा मज़ा आने वाला है। यहाँ पे जितने भी वर्कर्स वगैरह यहाँ पे वो लोग रहते हैं, मतलब जितने भी लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे, तो वो लोग वहाँ पे रेस्ट वगैरह जो भी करना रहता है वो लोग यहाँ पे रेस्ट करते हैं। बाकी ये पार्किंग एरिया है, अच्छा ये पार्किंग एरिया बता दें, ये उसका कुछ पार्किंग एरिया है। अराउंड आपके अगर फोर व्हीलर है तो 3-4 4 व्हीलर आराम से बैठ सकते हैं, बाइक रहेंगे तो बहुत सारे बाइक्स बैठ सकते हैं एंड ज़्यादा ही कुछ गाड़ियाँ आ गए तो यहाँ पे बैठ सकते हैं। मस्त पार्किंग एरिया, बहुत स्पेशियस जगह है। आइए, अभी ये है खाने के एरिया, चलते अंदर। बहुत बढ़िया सीटिंग एरिया है यहाँ पे, आराम से आपके 20-30 लोग आराम से यहाँ पे खाना खाने के लिए बैठ सकते हैं, कोई भी टेंशन नहीं है। खाना तो एक नंबर खाना है, आपको ऑफिस का काम करना रहेगा, यहाँ पे आपको कैरम खेलना रहेगा, यहाँ पे आपको टीवी देखना रहेगा, ऊपर टीवी एरिया भी है मस्त एकदम। जो भी खाना प्रिपरेशन रहता है वो अंदर किचन एरिया है, बहुत अच्छा है, बहुत मतलब ये लोग बहुत अच्छे से खाना बनाते हैं, बहुत ज़्यादा हाइजीन अच्छा है एंड ये सब कुछ कुकिंग वगैरह सब अंदर होता है। यहाँ पे आपका कुछ भी ड्रिंक्स वगैरह रहेगा, फ्रिज वगैरह उन्होंने प्रोवाइड किया है, सब अंदर आप रख सकते हो एंड सिटिंग एरिया तो आप देख ही सकते हो। प्लस एक आपको साउंड सिस्टम भी उन्होंने साथ में दिया है, देख सकते हो आप। अभी ये था इनका सिटिंग एरिया, अभी चलते हैं रूम्स की तरफ। ये कुछ इनका एक छोटा सा प्ले एरिया है, बहुत सही है, यहाँ पे स्विंग भी है दो छोटे छोटे से एंड ये कुछ इनका मस्त प्ले एरिया है। अभी ये है एकदम इन्हों की लाइन में रूम्स, 4 रूम्स है, एक रूम में आराम से 5-6 लोग जा सकते हैं, मतलब आराम से एकोमोडेट हो सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ हैं अभी 8 लोग, 5 लड़के और 3 लड़कियाँ हैं, तो एक रूम में हम लोग 5 लड़के आराम से एकोमोडेट कर पा रहे हैं। थोड़ा हो रहा है कंजेस्टेड बट ठीक है, उतना एडजस्टेबल है, बहुत ज़्यादा स्पेशियस है। प्लस ये कुछ एंट्रेंस है कॉटेजेस का, 1 2 3 4, ये 4 कॉटेजेस है, ये पहला है, ये सेकंड है, वो थर्ड है और वो फोर्थ है। बाकी 4 कॉटेजेस है, बहुत अच्छे से जितने भी आपके लोग हैं मस्त एकदम एकोमोडेट हो जाएंगे। चलिए चलते अंदर रूम में, रूम थोड़ा गंदा है एडजस्ट कर लेना, बाकी तो जो मेन देखना आपको आप देख सकते हो। ये उन लोगों का कुछ लिविंग एरिया भी बोल सकते हैं एंड बेडरूम भी बोल सकते हैं, वार्डरोब भी दिया है, एसी भी दिया है एंड फैन वगैरह भी है, टीवी भी दिया है इफ़ इन केस आपको देखना रहा, बेड भी बहुत अच्छा है, कम्फी बेड है एंड एक वॉश एरिया है, वॉश बेसिन एंड ये कुछ वॉशरूम है, बहुत अच्छा वॉशरूम है।
कुछ बड़ा है, एडजस्टेबल है। ये छोटा सा स्वीट रूम पांच लोग के लिए, मतलब है तो नहीं पांच लोग के लिए, दो या तीन लोग काफी है, बट हम लोग को दो रूम ही उन्होंने अलॉट किया है। सो ठीक है, उन्होंने कुछ इतना बहस किया नहीं वो चीज को लेके। सबसे बेस्ट एरिया है ये, कम्फी एंड कोजी है, बहुत मस्त, एकदम चिट चैट करने के लिए बहुत बढ़िया एरिया है। वहाँ पे तीन लोग, यहाँ पे तीन लोग, मस्त एकदम चाय पीते पीते गपशप करके बहुत मजा आएगा। यहाँ पे मस्त एकदम अच्छे से डेवलप किया इन्होंने, मस्त एरिया है। सॉरी सो गया ना थोड़ा यार, ये एरिया इतना प्यारा है ना यहाँ पे, मतलब हम लोग सुबह से यही एरिया में बैठे हैं एंड यहाँ से निकलने का मन ही नहीं कर रहा है, क्योंकि इतना खूबसूरत एरिया है ना ये। देखना चाहते हैं हम कहाँ पे बैठ रहे हैं, चलिए आपको दिखाई देता हूँ। ये प्रॉपर्टी का सबसे वन ऑफ द बेस्ट जगह है ये पूल एरिया, मतलब ये पूल के एरिया के वजह से हम लोग यहाँ पे आए हैं। बहुत बड़ा पूल है, मतलब आप देख नहीं सकते जितना बड़ा पूल है, मतलब जितना आंखें आपकी फैली जा रही है ना, बस अभी पूल ही पूल दिख रहा है यहाँ पे, इतना ब्लू ब्लू पानी है मस्त एकदम। हम लोग दोपहर को ही चल गए थे, एक बजे चले गए थे एंड बाप रे पानी मज़ा आ गया था, इतना मज़ा आ रहा ना यहाँ पे स्विमिंग करने के लिए। ज़्यादा डीप नहीं है, अराउंड 4.5 फीट का ये पूल है, बहुत बढ़िया पूल है। वहाँ पे शॉर भी है, रेन डांस भी है, अभी कुछ देर के बाद जब लाइट आ जाएगा अच्छे से रात को, मस्त एकदम लाइट के नीचे रेन डांस भी हो जाएगा। बेबी पूल भी है यहाँ पे, मस्त एकदम सोने के लिए मस्त जगह भी है। आपको अगर कुछ ड्रिंक्स वगैरह करना रहेगा तो उसके लिए अंदर एक शैक भी दिया है, आ जाएंगे शैक भी देख लेते। अभी यहाँ पे थोड़ा लाइट का काम चालू है तो थोड़ा बस अभी रात को हो जाएगा ये फिक्स। यहाँ पे ये शैक एरिया मस्त, यहाँ पे आप कुछ भी ड्रिंक्स वगैरह पार्टी वगैरह करना रहेगा अपनी, जितने भी लोग हैं मस्त यहाँ पे अंदर आप बैठ सकते हो, मस्त इंजॉय कर सकते हो ये पूल के साइड में बैठे बैठे। अभी कुछ ही देर में हम लोग जाएंगे पूल एरिया में। बाकी तो सबसे बेस्ट जगह है ये पूरे प्रॉपर्टी का। अच्छा ये थोड़ा और ओवर भी ले लेते हैं ये पूल साइड का, 360 व्यू एक बार ले लेते हैं एंड फिर और कोई चीज़ है मैं आपको दिखा देता हूँ। इससे ज्यादा खूबसूरत कोई चीज देखा रहेगा आपने, मतलब बीच में पूल, आजू बाजू में बस पहाड़ ही पहाड़, और बहुत ज्यादा बेस्ट है ये, बहुत ज्यादा बेस्ट है। एंड मेरे हिसाब से मैं अगर आपको रेकमेंड करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि समर सीजन विल बी द बेस्ट सीजन आपको ये विला, आई मीन ये फार्म आपको विजिट करना चाहिए, क्योंकि बारिश में भी बहुत ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि ये पूरे पहाड़ एकदम हरे भरे दिखेंगे, वाटरफॉल्स आ जाएंगे यहाँ पे। बट यहाँ पे थोड़ा एरिया थोड़ा चिपचिप हो जाएगा, थोड़ा मज़ा नहीं आएगा, कीचड़ वगैरह रहेगा। एंड ठंडी में यहाँ पे एक्सट्रीम ठंडी रह सकता है, बट ठंडी में भी बहुत मज़ा आने वाला है, बॉन फायर मस्त यहाँ पे एकदम चिकन वगैरह बना के बहुत मज़ा आ सकता है। सो ये कुछ रहा ये फार्म का टूर। अभी बाकी जो भी अपडेट रहेगा ये तो हमारा बस जो भी हमारा फन ब्लॉग रहने वाला है वो रहने वाला है, बाकी जितने भी एक्टिविटीज़ हम करेंगे अभी दिन भर में वो मैं आपको बता दूंगा। बस एक कुछ बताना चाहता हूँ ये विला फार्म के चार्जेस के बारे में, हमने भरे पर पर्सन 800 रुपीज़, उसके अंदर ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर इंक्लूजन है। अभी हम लोग को मिला है अभी का लंच डिनर एंड कल सुबह का ब्रेकफास्ट, एंड इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा आपको एडअप करना रहेगा, वो आपको उसके ऊपर का एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। एंड जो भी मेन्यू वगैरह डिसाइड करना रहता है वो आपको पहले ही पूछ लेते हैं प्री बुकिंग के टाइम पे कि ऐसा ऐसा मेन्यू है। जो भी नॉनवेज और वेजिटेरियन लोग हैं उनका अलग अलग मेन्यू डिसाइडेड है, तो उनको आप पहले से बता देना एंड बहुत सही चीज़ हो जाएगा वो चीज़ भी। बाकी तो कुछ है नहीं, अभी जितना भी जैसे भी अपडेट रहेगा मैं आपको बताते रहूँगा। फिर चलिए चलते हैं बाकी के पूरे दिन का मज़ा लेते हैं। अभी स्लो है, मैं मूड कैसे सकता हूँ उतने टाइम में। अरे यार आदर्श बता, ये आ ही ना, चल तू कर यार। अबे ए टीम टीम खेलते ही ना, टीम टीम खेलते, चल टीम 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 वॉइस लेसन गाइस खत्म। तो मुकुंद को उधर भेज, ये क्या पार्टी कर रही है, मैं जाता हूं ना। वैसे कल क्या होता है, हम लोग को दोनों। ए आदर्श सनडाउन हो रहा है, चल ना। ये जल्दी टाइम पास मत करो रे, ये रॉन्ग कर रहा है, चांद्रू चीटिंग कर रहा है।
सिक्स याद रखो अपना नंबर है सिक्स फिफ्थ फोर्थ टू फिफ्थ संजय संजय सेकंड शांतनु थर्ड कितना हो गया तू कर ए हो गया वो सेवन है इसको मत दे रे सेवन कैसे हो गया बता तू ना मुंह से बता दो क्यों नंबर तो तू कौन बोला सर कर उसको कुछ नहीं बताने का हाँ। ए हो गया वो भी नहीं हुआ नहीं हुआ नहीं सकी मुकुंद मैं अरे वो फिफ्थ है संजय था वो फिफ्थ तू संजय कौन सा तू कुछ भी कह रहा तू कितना प्रॉब्लम है मैं सिक्स्थ है थर्ड है फिफ्थ हो गया ठीक है चल अभी बोल मैं एट है फर्स्ट है फर्स्ट है फर्स्ट है हाँ सिद्धार्थ लास्ट ठीक है चल अभी कौन सातवा ये शिवानी ना हो गया ए नहीं तेरा भी है वो तो बचा में ए तेरा दोनों में कर चौथा और सातवा बचा है कौन बची है सिद्धि नहीं नहीं शिवानी और आदर शिवानी और ये फोर चल चलो डन मैं फर्स्ट हूं जाए फर्स्ट चल हाँ तू कौन सी लेफ्ट अरे ये राइट ही खेलना बोलते हो उसको ए हीना अच्छा ए वाइट स्टंप आ सिद्धार्थ वाइट स्टंप उसके आगे लड़की लोग को बाद में डालेंगे ना कि मेरा बहुत है बात इधर स्टंप के लिए सब क्या एक रन एक ही नहीं है ऐसा रन सो ले आउट हो गया क्या रन तो फिर से ये पकड़ 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 मेरा जो बॉल से पीछे जा रहा है ऐसा 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 जा रही है भाई पहला कहां से आ रही है चारों पे जाना बुमरा देखा आपने लापरवाही का नतीजा है इतना क्या तुम लोग को एक्टिव होने का जरूरत है जाओ ना जिधर तेरे शिवान इधर आ जाओ इससे चढ़ के आने विराट कोहली हूँ मैं उधर नहीं जाऊंगा उधर ही तो फिर आउट करेगा नरवती नहीं है तू ऐसे होएगा अनुष्का बुरा लगता है भाई आप लोग भी जानते हो डाल रहे हो पास डालेगा मेरा बॉलिंग है मुझे मिला ही नहीं बॉलिंग क्यों चाहिए बॉलिंग बैटिंग नहीं मुझे बैटिंग पे भी काम खेलने दे ए सिद्धार्थ तू छह ही बॉल है बता दे सिद्धार्थ फटफट के चाय पीने जाते
जुदा में हो जाओ। कल तक मैंने जो भी ख्वाब थे देखे, सपने वो दिखने लगे। इश्क जो जरा सा था वो बढ़ गया रे, मेरा फितूर जब से चढ़ गया रे। तुझे इतनी सी भी खबर कि तेरी सांसें चलती जिधर, रहूंगा बस वही उम्र भर, रहूंगा बस वही उम्र भर। ओ जितनी हंसियें मुलाकातें हैं उनसे भी प्यारी तेरी बातें हैं, बातों में तेरी जो खो जाते हैं। आओ ना होश में मैं कभी
किसी भी खबर कि मेरी सांस चलती जिधर रहूंगा बस वही उम्र भर रहूंगा बस वही उम्र भर। गुड मॉर्निंग गाइस, इट्स नेक्स्ट डे एंड बहुत बढ़िया तरीके से हमारा कल का जो भी स्टे था बहुत अच्छे से हो गया है। बहुत कुछ हो गया था कल, मस्त खाना पीना भी हो गया था, खाने का टेस्ट भी इन लोगों का बहुत ज़्यादा सही है एंड कल मस्त जैमिंग सेशन भी किया आदर्श के साथ, जिसे कि आपने देख लिया रहेगा अभी तक वीडियो में। एंड बाकी सोफा तो कुछ नहीं था, बस नाचे वगैरह रात को, मस्त खाए पिए एंड सुबह भी मस्त ये लोग सब लोग स्विमिंग के लिए गए थे एंड मैं नहीं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गया था तो मैं सोया ही था। एंड बाकी दो लोग चले गए वैसे, संजय और सिद्धार्थ। संजय का जॉब था इसके लिए वो चला गया एंड सिद्धार्थ जो था उसको भी काम ही था। अभी बाकी कुछ है नहीं, अभी बस व्लॉग ख़त्म करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाकी सब तब तक के लिए सबको बाय बोल के ख़त्म करते हैं। चलो भाई, बाय बाय। क्या हिना बाय।